चलो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको ये बात क्लियर होगा कि SHM का इक्वेशन क्या होता है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द SHM? ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस. अब फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन बाय, इसमें से कौन सा इक्वेशन बताएगा कि इसमें कौन सा इक्वेशन की पॉसिबिलिटी चांस बनता है कि हो सकता है उस पर फोर्स लगा हो. अब चलो SHM एक्स एक्सिस के लंग, यहां से पार्टिकल चलेगा t इक्वल टू जीरो पे, आगे जाएगा, यहां रुकेगा, वापस आएगा, रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां पे जाके एक चक्कर इसका पूरा हो जाएगा और इस चक्कर को हम एक ऑसिलेशन बोलते हैं, बराबर है. और इसमें हम सबको पता है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है. उस रीस्टोरिंग फोर्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इस फॉर्मेट में, फिजिक्स में, इस फॉर्मेट में कोई फोर्स लग रहा है जिसका एक्स की पावर वन है, के कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर के निगेटिव नहीं हो सकता, के कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और x की पावर 1 है, तो इस फॉर्मेट में कोई भी फोर्स लग रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है. अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा इस फॉर्मेट के लिए, इस फॉर्मेट में फिट बैठता है इन चारों ऑप्शन में. क्या ये कभी पार्ट ऐसा फोर्स लगे तो क्या कभी SHM कर सकता है? कोई पार्टिकल कभी नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं है. ये जो फोर्स है वो कॉस का फंक्शन है, कॉस, ठीक है. ये एक पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी जी इस टाइप से लग रहा है. ये क्या कभी हो सकता है? नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है यार, एक्सपोनेंशियल फोर्स लग रहा है. ये लगेगा तो पार्टिकल कहीं उसी कहीं और चला जाएगा. ये क्या ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता यार. ये फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव फोर्स लगेगा तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर फोर्स भी है, तो वो चलता चला जाएगा. इसमें क्या देख रहे हो? फोर्स इज अपोजिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जिधर फोर्स लगेगा उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और जिधर डिस्प्लेसमेंट लगेगा उधर फोर्स की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन में अपोजिट है. अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इधर लगेगा. बात आई समझ में? ये नेगेटिव साइन बता रहा मेरे भाई. तो ये डी ऑप्शन सही है. इट इज वन ऑफ द वेरी कंसेप्चुअल एंड गुड क्वेश्चन, जो हमारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर करता था. सेकेंड